देश और प्रदेश सरकार के लिए जहां एक और किसान आंदोलन सिरदर्द बना हुआ है, तो वहीं अब दक्षिण हरियाणा जिलों के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सड़कों पर उतर आए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा भल्लभगढ़ शहर का है, जहां बीते दिन भल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालक पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक स्कूल खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और अपनी मांग को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इन स्कूल संचालकों की मांग है कि अब पहली से आठवीं तक स्कूल खोल दिए जाएं, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके परीक्षाएं दे सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो सभी जिलों के स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। आपके चैनलों के, आपके सभी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज डीसी साहब के माध्यम से शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नाम हमने अपना ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में सरकार से हमने ये अर्ज की है कि पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के भी स्कूल खोले जाएं। इसलिए अर्ज किया है कि पहले हमने ज्ञापन दिया था तो सरकार ने नौवीं क्लास से बारहवीं तक के हमारे स्कूल खोल दिए गए थे। आज हम चाहते हैं कि बच्चों का दस महीने से जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उसके माध्यम से उतना रिवीजन नहीं हो पाया। यदि दो महीने तीन महीने इस सेशन में जनवरी फरवरी में स्कूल खोल दिए जाए तो इनका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे और ये अगली क्लासों में जा पाएंगे। हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, वो यही बात रख रहे हैं, एक साई ज्ञापन है कि सरकार 4 जनवरी से हमारे स्कूलों को खोले और यदि इसमें कहीं सरकार की तरफ से कोताही रही तो हम 4 तारीख के बाद अभी 6 थे और 22 जिलों की एक संयुक्त मीटिंग बुला करके और किसी भी अगले स्टेप के लिए घोषणा करेंगे और इन स्कूलों के खोलने पर विचार करेंगे। संचालक की आर्थिक स्थिति तो बहुत ही खराब है, लेकिन संचालक केवल आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख के नहीं, जो स्कूलों के अंदर देश का भविष्य है जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, हमें चिंता केवल उस देश के भविष्य की चिंता है, ना कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति तो हमने देखना है कि हम पहले जो थोड़ी सुविधा हम ज्यादा थी अब थोड़ा सा कम में अपना गुजारा कर रहे हैं। आमने सामने की स्थिति में है अध्यापक और शिक्षक विभाग, टकराव की स्थिति में कुछ नहीं है। शिक्षक और वो टकराव क्यों करेंगे? 4 तारीख को बोला ना स्कूल खोलने को, टकराव नहीं है, ये टकराव की बात नहीं है, ये तो देश के भविष्य को जो सुधारने की बात है। आज बच्चों के जो है पढ़ाई के कितना नुकसान हो रहा है ये शिक्षक अच्छी तरह से समझ पा रहा है। स्कूल संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ मिलकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि उन्हें ज्ञापन मिल गया है और जल्द वो इसे सरकार के पास भेज देंगे। ये डिमांड है कि पहले से आठवीं तक स्कूल जो है वो खोले जाएं और ऑफलाइन जो स्टडी की इनकी डिमांड है, उनकी जो भी मांग है वो हम आगे भेज देंगे। सर, ज्ञापन में दिया गया है कि स्कूलों को कोरोना काल में खोला जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? देखो, ये सरकार का डिसीजन है, सरकार जब डिसीजन लेगी इसको भेजेंगे। भल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान चंद्रसेन शर्मा की माने तो कोरोना काल में स्कूल बंद होने से जहां उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है तो वहीं बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले हैं, उसी तरह अब 1ली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाने चाहिए, ताकि समय रहते बच्चे पढ़ाई कर सके और अपने पेपर देकर अगली कक्षाओं में प्रवेश ले सके। अब देखना ये होगा कि मनोहर सरकार क्या इनकी मांगों पर संज्ञान लेती है या नहीं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। नया साल होगा, नया अंदाज होगा, नाम वही पर खबरों का डबल डोज होगा। 1 जनवरी से लौट रहा है आपका पसंदीदा न्यूज बुलेटिन हरियाणा सुपर फास्ट। अब एक क्लिक में 10 नहीं बल्कि 20 खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो देखना ना भूले रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ पंजाब केसरी हरियाणा पर हमारे साथ लाइव।